हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी और ये शाम और अभी हम आए हैं छत पे। जैसा कि आपको पता है, आज है लोहड़ी और कल है मकर संक्रांति। तो हमारे यहाँ तो इतनी पतंग नहीं उड़ती, मगर फिर भी आज हम पतंग उड़ाएंगे और विशाल की पतंग काटेंगे, बहुत ही भयंकर। तो अभी हमने विशाल को बुला लिया है, तैयार है पतंग कटवाने के लिए। मुझे पता था तू पतंग ही उड़ा रहा होगा, पक्का उड़ा रहा था ना पतंग। तो गाइस अभी मैं सायंश को भी बुला लेता हूँ, क्योंकि चरखी तो वही पकड़ेगा ना, चरखी पकड़ने के लिए भी तो चाहिए कोई ना कोई। तो गाइस अभी मैंने सायंश को बुला लिया है, ये मस्त चरखी पकड़ता है, बाकी आज विशाल की पतंग काट देंगे। विशाल पतंग ही उड़ा रहा है ऊपर। तो गाइस अभी जल्दी से पतंग लेते हैं और फिर कन्ने बांध के उड़ाते हैं। तो गाइस देखो हमारे पास कितनी सारी पतंगे पड़ी हुई हैं पहले की, अभी इनमें से कोई पतंग लेते हैं और उड़ाते हैं। ये तो फटी पड़ी है यार, इसे क्या उड़ाएंगे, कोई ढंग की सी पतंग देते हैं। हाँ ये ठीक है, इसे उड़ा देते हैं। तो गाइस ये मस्त बनी हुई पतंग लेके आए थे हम, इसे उड़ाते हैं। ये देखो यहाँ पे पड़े हुए हमारे मांझे, इन पे बेचारों पे धूल भी होगी है। तो गाइस आज उड़ाएंगे असलम भारती के मांझे से और साथ में ब्लू पतंग, आज तो काट देंगे विशाल की। अभी यहाँ पे कोई पतंग नहीं उड़ती, हमारे यहाँ 15 अगस्त पे उड़ती है, बाकी राजस्थान वगैरह और पंजाब में लोहड़ी पे और मकर संक्रांति पे भयंकर पतंगबाजी होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हो रही है शाम, अभी हम पतंग उड़ाएंगे और विशाल की पतंग काटेंगे। तो गाइस अभी ब्लू पतंग उड़ाना कैंसिल, क्योंकि मिक्की माउस वाली पतंग के कन्ने पहले से बंधे पड़े थे, तो मेहनत कौन करेगा, इसे उड़ाएंगे अभी। और गाइस अभी 5 बजे से भी ज्यादा का टाइम हो गया है, मगर आजकल अंधेरा थोड़ी लेट होता है, तो मस्त मजा आने वाला पतंगबाजी में। तो गाइस अभी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, शायद उड़ा रहा था पतंग और इसने देखो पतंग अटका दी है ऊपर से, यहाँ पे अटका दी है पतंग इसने। तो गाइस वहाँ पे विशाल ने पतंग उड़ा दी है, अभी उसकी पतंग काटे वो। तो गाइस अभी हम डंडा लेके आए हैं, डंडे से छुड़ाएंगे इस पतंग को। ओए डंडा भाई हर जगह काम आता है भाई, डंडा बहुत खतरनाक हथियार है लुटेरों का। पहले तो इस डंडे पे ना ऊपर झाड़ लगा लेते थे लोग, भाग के लूटते थे पतंग ऐसे। तो गाइस अभी हवा कम चल रही है तो नीचे से पतंग नहीं उड़ रही, इसलिए हम विशाल की छत पे जा रहे हैं। ये देखो गाइस नकली पतंगबाज, इससे पतंग ही नहीं उड़ के दे रही। तुम्हारी भी तो नहीं उड़ी जब तुम ऊपर आए हो, हम तो तेरी पतंग काटने आए हैं, तेरे बस की नहीं है हमसे पेच लड़ाने। गाइस इसके बस की नहीं है, फुस्सी है, हमसे पेच लड़ाएगा क्या ये? 2 मिनट में पतंग कटी मिलेगी तेरी। तो गाइस अभी शायद देखो कन्नी वहां से, क्योंकि हवा चल नहीं रही है इतनी तेज। और ये देखो विशाल भी उड़ा नहीं पा रहा, काफी देर से ट्राई कर रहा है बेचारा। ये देखो गाइस हमारी पतंग उड़ गई है, प्रो लेवल खिलाड़ी है हम। विशाल के बस की नहीं है मगर हमने पतंग उड़ा दी, ये डंडी मोड़ता नहीं है पतंग उड़ाने लग जाता है। ये देखो गाइस विशाल की कैसी पतंग है, बटरफ्लाई वाली, और इसका मांझा प्लास्टिक का है। मैं मना करता हूँ फिर भी प्लास्टिक का मांझा लेके आता है। मेरा नहीं है, ये कट के आया था इसलिए मैंने रख रखा है। गाइस इसका तो प्लास्टिक का मांझा है, तो हम कैसे काट पाएंगे इसकी पतंग, ये तो सरासर बेईमानी है। तो गाइज मैं भी आपको सलाह देता हूँ कि कभी प्लास्टिक के मांझे से पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, ये बहुत खतरनाक है, लोगों की जान जा सकती है इससे। तो गाइज विशाल ने फाइनली उड़ा दिया पतंग, बढ़िया। गाइज अभी होगा ना मस्त पेचा। तो गाइज बैड लक, हमारी पतंग गिर के फट गई अपने आप, यार पतंग फट गई। तो गाइज आज इतना बुरा बैड लक है कि ये भी फट गई है। गाइज हमारी किस्मत में ही नहीं है, अभी हमने पतंग उड़ा दी है, देखो आप पेचे करेंगे आज तो, कितनी ऊपर जाएगी अब विशाल वर्सेस यात्री। उड़ा विशाल घटाना वीर यात्री घटाना। तो गाइस अभी पेच लड़ने वाले मस्त। बाप जी ये चांद वाला मुकुड़ा कौन चला रहा है, पेचे करने वाले हम। अब क्यों रहा है लड़ा, निकल गई फुस्सी क्या, पूरी हमारी पतंग अब काच होएगा काच। तो गाइस विशाल फुसट दिया, भाग जाता है मेरी पतंग देखते ही, उसके बस की नहीं है मेरे से पेच लड़ाने। तो गाइस अभी पेचा पहनने वाला है, पेच लड़े थे तो मांझे से टकरा गया मांझा, तो उसका मांझा कमजोर कर दिया हमने प्लास्टिक का। तो गाइस मस्त पतंगबाजी करी, हालांकि हवा बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ी बहुत जो पतंगबाजी हो पाई वो की, क्योंकि कल मकर संक्रांति है तो पतंगबाजी बनती थी। तो होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।